नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपीएन न्यूज। बिहार के समस्तीपुर में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टियों के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में तमाम वरिष्ठ नेताओं ने नीतीश हटाओ बिहार बचाओ का नारा लगाया। इसके साथ ही नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। समस्तीपुर में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टियों के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेताओं ने नीतीश हटाओ बिहार बचाओ का नारा लगाया। बैठक में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में विकास कार्य पूरी तरह से विफल रहा, जिसमें शासन गरीबी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आधिकारिक संरचना, कृषि कानून व्यवस्था, सामाजिक सद्भाव, उद्योग, भ्रष्टाचार, ये सब विफलता की सूची है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार के तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए बिहार में तीसरा विकल्प को लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि 15 साल का कार्यकाल पूरी तरह से विफल रहा है, इसलिए नीतीश को हटाना है और बिहार को बचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। जैसा हमने अभी कहा कि भाषण के मुख्य मुद्दा है बिहार को बदलना और एक बेहतर बिहार का निर्माण करना। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? अब चुनाव का समय है तो आपका प्रश्न भी लाजमी है। हम लोग सब सीट पर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस यूडीए हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसमें चुनाव के माध्यम से ही सरकारें बदलती हैं, और जब एक सरकार विकास के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोधक बने तो उस सरकार को बदलना जरूरी है। बिहार सरकार को बदलना है, इसलिए सब सीट पर चुनाव लड़ना जरूरी है। जदयू पर जो है एलजेपी कटाक्ष कर रही है 143 सीट पर लड़ने, इसको किस नजर से? उनके पास देखिए कोई मुद्दा ही नहीं है। हम लोग मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, मूल्यों की राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने, मैं कहना भूल गया कि हम लोगों ने एक दृढ़ निश्चय किया है कि हम यूडीए में किसी अपराधी तत्व को शामिल नहीं करेंगे और अपराधी तत्व को चुनाव में खड़ा भी नहीं करेंगे। यूडीए में साफ सुथरी राजनीति बिहार की होनी है, और अगर बाकी पार्टियों में दम है तो भी अगर इस तरह की घोषणा कर दें तो बिहार से जो अपराधीकरण हुआ है राजनीति वो खत्म हो जाएगा स्वतः। लेकिन हम जानते हैं कि वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुद्दों की राजनीति नहीं कर रहे हैं, मूल्यों की राजनीति नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग आए हैं एक साफ सुथरी राजनीति करने के लिए बिहार में। सर, इस चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या होगा जी? इस चुनाव से किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा? मुद्दा है बिहार बदलो, क्योंकि मुद्दा है, मैंने आपको एक कागज दिया है जिसमें वर्तमान में बिहार की क्या बदहाली है हर क्षेत्र में, उसका विस्तार से जरूर आपको जरा दीजिए। अब आप लोग से निवेदन है कि खाना